सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की कमी का सामना। मुल्तान और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में लकड़ियों की मांग बढ़ गई। लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा, 100 से 150 रुपए प्रति किलो इजाफा कर दिया गया। लकड़ी फरोशों की चांदी, तो आवाम परेशान। गुज़श्ता रोज़ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में प्रोफेसर डॉक्टर वासिफ नुमान के अगवा के वाकये ने नया मोड़ ले लिया। प्रोफेसर गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस निकला, तालिबात को ब्लैकमेल करने का भी इंकशाफ हुआ। ऑल पाकिस्तान बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल के इसातिज़ा का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। मुजाहरीन का हुकूमत से मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहरे में खवातीन, टीचर्स और बच्चे शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुसार अपने इलाके पर मेहरबान। तोंसा की आवाम को मिलेंगी सेहत की बेहतर सहूलियात। वज़ीर-ए-आला ने बहावलपुर और रहीम यार खान के मोबाइल हेल्थ यूनिट तोंसा भिजवाने का हुक्म दे दिया। सिविल अस्पताल बहावलपुर में 4 माह से कार्डियोलॉजिस्ट की आसामी खाली। मरीजों को इलाज में परेशानी का सामना। शहरी इंतजामिया की नाअहली पर नाला। खानेवाल मधुवाला चौक में बिजली की लटकती तारों में ट्रक फंस गया। बिजली के पोल जमीन बोस। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बंद हो गई। अहले इलाका का मुतालिका हुकाम से बिजली फौरी बहाल करने का मुतालिबा। और मुल्तानों गिरदोनवा में स्मोक की लपेट में आ गए। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से हदायत जारी। शहरियों को गाड़ी की रफ्तार कम और फोक लाइट के इस्तेमाल की हदायत। मोटरसाइकिल सवारों को मास्क और हेलमेट पहनने की तजवीज़।